हेलो एवरीवन। तो टुडे मैं दिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द एनिमल सेल। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी और बहुत सारी टर्म्स उसके अंदर हमने डिस्क्राइब की थी कि साइटोलॉजी क्या है, मायोलॉजी क्या है, ऑर्थोलॉजी क्या है। तो आज जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एनिमल सेल। सबसे पहले तो व्हाट इज सेल, सेल क्या है। द साइटोलॉजी हमने एक पीछे टर्म पढ़ी थी, व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, डील्स विद स्टडी ऑफ सेल्स, की सेल्स की स्टडी से जो डील करती है दैट इज द साइटोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। देन हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, स्वेंसन, SWANSON, स्वेंसन इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। एक साइंटिस्ट है स्वेंसन जिन्होंने मेनली साइटोलॉजी के बारे में हमें बताया। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, सेल डिस्कवर कहां से हुआ, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द सेल। उन्होंने कौन सा सेल सबसे पहले डिस्कवर किया, उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, जो एक प्लांट सेल होता है, प्लांट है, प्लांट के जो बाहर पेट के ऊपर जो छाल होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। एक कॉर्क कैम्बियम का छोटा सा पार्ट लेके उन्होंने उसको स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो कॉर्क कैम्बियम है छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बनी हुई है इस तरह से। तो वहां से मेनली सेल की डिस्कवरी हुई, इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। लेकिन जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी की वो की आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले डिस्कवरी की किसने थी, माइक्रोस्कोप इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कॉर्क कैम्बियम को माइक्रोस्कोपी के अंदर स्टडी किया और उन्होंने सेल वर्ड की या सेल की डिस्कवरी की। इसी के बेस पे सेल की डिस्कवरी के बाद जैसे प्लांट सेल में डिस्कवर हुआ, उसके बाद फिर बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के सैंपल्स लिए, किसी ने एनिमल का कोई पार्ट लिया, किसी ने कोई डिफरेंट पार्ट लिया, तो डिस्कवरी हुई कि हर एक जो लिविंग थिंग है दैट इज मेड अप ऑफ द सेल। Then the cell theory was given, दो साइंटिस्ट थे श्नीडर एंड शेबोन। दीज वर टू साइंटिस्ट हु हैज गिवन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला फर्स्ट इज कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल। दो मेन बेसिक पॉइंट उन्होंने दिए जिसको उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल। तो कुल मिला के हु इज द, व्हाट इज द साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। रॉबर्ट एंटोन वॉन लीवेनहुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द स्टडीड द कॉर्क कैम्बियम एंड ही डिस्कवर्ड
discovered the cell. Schleiden and Schwann, they given the cell theory, and the main two points of cell theory were that cell is the basic structural and functional unit of each living organism, and every living organism is made up of the cell. कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना हुआ है। अब जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेल्स के बेस पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स have been divided into two parts, that is eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes कौन से organisms होते हैं? These are the multicellular organisms जो एक से ज्यादा cell से बने हुए हैं. These are the eukaryotes, जैसे plants हैं, एनिमल्स हैं, हमारे अंदर हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो वी कम्स अंडर द यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो अमीबा का, या इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कुछ एक बैक्टीरिया का या वायरस का, जो सिंगल सिंगल सेल से बने होते हैं। इनके अंदर एक ही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे हमारे अंदर है कि ब्लड सप्लाई के लिए आरबीसी है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के सेल काम करते हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनी के नेफ्रॉन काम करते हैं, या ब्रेन के लिए हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। उसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। Then we will come on the animal cell. जो आपका टॉपिक है डिस्कशन का वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल है जो मेनली सिलेबस में मेन आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एनिमल सेल है। What is the animal cell? Now, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of the living organism. कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से, या जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सभी सेल से ही परफॉर्म होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 10^14 नंबर ऑफ सेल्स। इट इज द टेंटेटिव, इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज अ टेंटेटिव आइडिया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इतने मिनिमम सेल्स होते हैं। और जो हमारे अंदर सेल का साइज है वो वेरी करता है। अगर हम सेल की ये बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है उसका क्या साइज है, तो हमारे अंदर जो साइज है वो साइज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सेल टू सेल। जैसे जो हमारे अंदर सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज आरबीसी, जिसका साइज है अबाउट 0.5 माइक्रोन मीटर। और दूसरा सबसे बड़ा सेल है जो हमारे अंदर, दैट इज द न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी अबाउट लेंथ होती है 3 मीटर लॉन्ग। तो कुल मिला के जो सेल का साइज है वो 0.5 से 3 मीटर तक वेरी कर सकता है। ठीक है, जो आरबीसी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल है, और न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल है। वो डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का है, क्या फंक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सेल की शेप, सेल का साइज, सेल का फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर सब कुछ वेरी करेगा। नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, कि अगर हमने एनिमल सेल को स्टडी करना है तो एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मेनली क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन,
second is nucleus, and third is cytoplasm. कुल मिला के एक एनिमल सेल इन तीन चीजों से मिलके बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस सेंट्रल सेल का सेंटर का पोर्शन है जो मेनली सेल का एक हेड, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक ऐसी स्पेस है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जहां और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में ये तीनों चीजें तो होती हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है. हमारे सिलेबस में सिर्फ एनिमल सेल है तो वी विल डिस्कस ओनली द एनिमल सेल. नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. सेल की जो बाहर की कवरिंग है दिस इज द एनिमल सेल. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सेंटर में यहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस. और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सारा ये स्पेस है दिस स्पेस इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म वन बाय वन व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन. अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करें, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. सेल की जो सबसे बाहर की लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो मेनली बनी हुई है इट इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बनी हुई है, तीन चीजों से मिलके बनती है ये, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगर मैं एक सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर सपोज मैं इसके इतने से पोर्शन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है. दीज आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, दीज दीज आर सम इंटीग्रल्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स which are present in the cell membrane. ये दोबारा फिर से यहां पे phospholipid molecules हैं, ये इसके अंदर कुछ peripheral proteins हैं. जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है. बाइलेयर मतलब इसकी दो लेयर्स हैं, ये तो एक सिंगल लेयर हो गई, दूसरी लेयर उसमें इस तरह से अरेंज है, इस तरह से. So this is the basic structure of the cell membrane. इसके अंदर जो मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये स्ट्रक्चर है एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जिसको मैंने लिपिड मॉलिक्यूल भी बोला है.
ये सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की बनी होती है. फॉस्फोलिपिड बाईलेयर मतलब एक लिपिड की लेयर इस तरह से अरेंज है और दूसरी लिपिड की लेयर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है. अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दो चीजों से मिलके बना होता है. दैट इज द ये इसका पोलर हेड है और ये इसकी नॉन पोलर टेल. पोलर हेड का मतलब कि जो ये हेड है इसका वो हाइड्रोफिलिक हेड है. हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग है और जो टेल है इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है मतलब वो वाटर हेटिंग या हाइड्रोफोबिक टेल. तो ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि दोनों हाइड्रोफोबिक टेल्स वो सेंटर में हैं. हाइड्रोफिलिक जो हेड है एक तरफ तो वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे और एक तरफ वो अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं. इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज हैं. इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एक ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो ये थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरे इसके अंदर होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स. पेरिफेरल प्रोटीन्स तो वो होते हैं जो सिर्फ इसके पेरिफेरी मतलब किनारे के ऊपर अरेंज हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ एक पार्ट उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर का बना हुआ है. कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ मॉलिक्यूल जैसे ओलिगोसैकेराइड्स है या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स इन लिपिड्स के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ या इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ इसके अंदर अटैच होते हैं. दीज आर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. तो कुल मिलाके जो सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलके बनी हुई है. दैट इज द फॉस्फोलिपिड बाईलेयर. फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल को अगर हम स्टडी करें तो वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है. पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल. पोलर हेड और नॉन पोलर टेल की वजह से इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज द स्पेसिफिक परमिएबल या सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल इसमें से सेल में से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर क्रॉस नहीं कर सकता. कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही हैं जो इसमें से क्रॉस कर पाएंगे. दूसरा इसके अंदर है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं जो एक पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं और जो एक पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं. दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन्स. इनका फंक्शन होता है कि एक मीडिएटर की तरह और पंप मीडिएटर की तरह काम करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं. इनका मेनली फंक्शन यही होता है कि ये सेल की जो शेप सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. So this is the basic structure of the cell membrane. So then we will study what are the properties of cell membrane. अब cell membrane की properties क्या हैं जो structure के ऊपर depend करती है. तो cell membrane है it is the outermost layer of the cell which is made up of the protein, lipid, phospholipid bilayer and carbohydrates. फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की वजह से जो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर इट हेल्प टू गिव द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो हमारी सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन वो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की वजह से है. प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन्स इसमें क्या काम करते हैं. प्रोटीन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स सेल में सिंपल डिफ्यूजन से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से पास आउट नहीं हो सकते वो मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं. तीसरे है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर वो होते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं जो सेल के शेप सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. देन और जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटेरियल ट्रांसफर होता है वो तीन प्रोसेस से ट्रांसफर हो सकता है. दैट इज
सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे सपोज अगर पानी है एक जगह हाई लेवल पर है दूसरी लो लेवल है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो है पानी अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। दूसरी है इसमें कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट उन मॉलिक्यूल्स में होती है, जैसे कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, या कुछ विटामिन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो उनको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो उनके अंदर एक पंप का या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और तीसरी है वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर कौन निकालता है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह से जो सेल है, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, इसमें लाइसोसोम। ये लाइसोसोम इसमें वेसिकल फॉर्म में होता है, एक बैग के फॉर्म में होता है। ये बैग के फॉर्म में उस सारे मटेरियल को अपने अंदर एंगल्फ निगल लेता है और उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो कुल मिलाकर सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फॉस्फोलिपिड बायलेयर इट प्रोवाइड द सेमी परमिएबिलिटी टू द सेल। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड द सेल शेप। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन टेकन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ होती है जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज या वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में, इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है जो कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और वेसिकल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जिनको, जैसे सेल के अंदर कुछ डेब्रिस है या जो वेस्ट मटेरियल है, जो सेल के जो सुसाइडल बैग है, लाइसोसोमिक ऑर्गेनेली है, वो एक वेसिकल्स की फॉर्म में उनको इंगल्फ करके निगल के सेल से बाहर ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारी बॉडी का मास्टर कौन है, कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी को, हमारा ब्रेन, इसी तरह से जो सेल है, सेल का ब्रेन है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाहर प्रेजेंट होती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर इसके एक डार्क कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस, और इसको हम न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल है।
और इसके बीच में यहाँ कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, इस मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। दिस इज द क्रोमाटिन मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम यही है इसमें कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करना। जितने भी सेल के सारी फंक्शंस हैं, उस सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? उस सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो सेल का जो मेनली ब्रेन है दैट इज द न्यूक्लियस। इसके सेंटर में जो एक मेन बेसिक मटेरियल है दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है दिस इज द मेनली ब्रेन मास्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस है जो मेनली सारी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये क्रोमाटिन मटेरियल से, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये क्रोमाटिन मटेरियल से अपने आप डिफरेंशिएट आउट हो जाता है, हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के जो नंबर है सेल के अंदर वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ रूटीन में एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कुछ एक सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा फेरी भी कर सकते हैं। जो न्यूक्लियोलस है इसका मेनली काम क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस, आरएनए होता है इसके पास, जिसके कारण न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बीच का जो स्पेस है इट इज मेड अप ऑफ द क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल क्या चीज है? जो क्रोमाटिन मटेरियल है, जैसे आपने डीएनए का नाम सुना होगा कि क्रोमाटिन मटेरियल एक्चुअली डीएनए ही है। डीएनए क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इट इज मेड अप ऑफ द क्रोमोसोम्स, इस तरह से। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 46, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स। दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी करेक्टर्स। हेरिडिटरी करेक्टर्स मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कुछ करेक्टर्स एज इट इज जो ट्रांसफर होते हैं दैट इज ड्यू टू द जीन्स। So DNA is the chromatin material which is made up of the chromosomes. Chromosomes contain the genes and these genes are responsible for the hereditary character. So this is the nucleus. In the next lecture we will continue with the cytoplasm.